अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिला हैदी। मैं आज एक टर्म का मतलब वालदैन को और तमाम लोगों को समझाना चाहती हूँ। एक लफ्ज़ है जो कि कॉमनली हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज़ है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होती क्या है, फ्रस्ट्रेशन होती कैसे है, ये सारी बातें किसी को मालूम नहीं होती और हम हर जगह पे ये लफ्ज़ गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें कोई बच्चा दिखता है डिसोबीडियंट, डिसोबीडियंट बच्चा होता है, ज़्यादातर लोग उसे देखते हैं, उसके रवैये को देखते हैं और कह देते हैं बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या है? देखिए, जो हमारा दिमाग है उसके अंदर जो सलाहियत है, हम नॉर्मल इसलिए हैं कि हमारा जो दिमाग है वो कबर्ड की तरह है। कबर्ड की तरह अगर दिमाग है तो हम नॉर्मल हैं, हमारे अंदर हर बात को समझने की सलाहियत है। हमें परेशानी के वक्त, खुशी के वक्त हमारा दिमाग गाइड करता है कि हम किस तरह बिहेव करें, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी कुछ लोगों का दिमाग कबर्ड की तरह हो नहीं पाता, वो दिमाग स्टोर रूम की तरह ही रह जाता है। अब ये स्टोर रूम क्या है? स्टोर रूम का मतलब है आप एनवायरनमेंट से जो कुछ सीख रहे हैं वो आ रहा है और आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है, लेकिन उसकी कोई जगह नहीं बन रही। सब चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, अच्छी बुरी सही गलत हर चीज़ मिक्स हुई हुई है, नॉलेज भी मिक्स हुई हुई है। जब आपका दिमाग स्टोर रूम की तरह होगा तो आपके अंदर किसी की भी बात को समझने की सलाहियत नहीं होगी। बच्चों का दिमाग स्टोर रूम की तरह होता है 0 to 3 years में, जब वो पैदा होते हैं उस वक्त से लेके 3 साल तक उनका दिमाग स्टोर रूम की तरह होता है। फिर 3 से 6 साल की उम्र में वो अपने दिमाग को कबर्ड की तरह कर लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर के लिए उनका दिमाग कबर्ड की तरह हो जाता है। मगर अब मैं एडल्ट्स की बात कर रही हूँ, जैसे जो एडल्ट्स होते हैं, जो ग्रोन अप्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनके साथ होता ये है कि कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में आई तो उतनी देर के लिए जितनी देर वो परेशानी उनकी ज़िंदगी में रहती है उनका दिमाग दोबारा से स्टोर रूम की तरह हो जाता है। जब वो स्टोर रूम की तरह हो जाता है तो उनके अंदर दूसरे लोगों की बात को समझने की सलाहियत नहीं रहती उतनी देर जितनी देर वो स्टोर रूम की तरह है, और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले भी सही करने के काबिल नहीं हो